नमस्कार साथियों, कैसे हो? स्वागत है आपके सीरत की मेकर में। पैसे आपके सामने एक और नया वीडियो होंडा सिटी गाड़ी का लॉक रिपेयरिंग। होंडा सिटी गाड़ी है दोस्तों, इसका लॉक कैसे रिपेयर करें, लॉक रिपेयरिंग की वीडियो हम बना रहे हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई होंडा का लॉक रिपेयर कर देते हैं और फिर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चलता नहीं है या ठीक से रिपेयर नहीं कर पाते हैं या कोई भी पार्ट जो है ठीक से असेंबल नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी पार्ट ठीक से असेंबल नहीं होता किसी भी लॉक में दोस्तों, तो वो लॉक वर्किंग नहीं करता, आप भी इस बात को जानते हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लॉक रिपेयरिंग की। सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों साइड से ये लॉक सिस्टम है, इमोबिलाइजर को बाहर निकाल लेंगे। इमोबिलाइजर को हमने बाहर निकाल लिया, अब इसके बजर स्विच को भी बाहर निकालेंगे। ये इसका बजर स्विच है। वाहेगुरु, ये हमने बजर स्विच को भी बाहर निकाल लिया है। अब हमारे सामने आ गया है ये हमारा लॉक। इसमें यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो एक पिन लगी होती है, ये वही पिन है जिससे इस लॉक को रोका हुआ है, लॉक रुका होता है। आइए दोस्तों इस पिन को निकालेंगे, पिन निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपना जो हर बार लगाते हैं वो शॉप का लोगो जो भी है वो लगाना भूल गए हैं, ज़रा इसको लगा लेते हैं एक बार दोबारा, फिर वीडियो आगे बढ़ाएंगे। आइए दोस्तों अब हम इसको पिन को निकालने का प्रयास करते हैं। पिन को निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक तो यहाँ पे ऐसे अपना स्क्रू ड्राइवर रखना है, पेचकस रखना है और ये हैमर की मदद से यहाँ पे चोट मारनी है। मैं थोड़ी और चोट मारूँगा, हमें तब तक चोट मारनी है जब तक ये पिन इस तरीके से प्रेस करने पर हिलने ना लग जाए। फिर दोबारा मारनी पड़ेगी मुझे चोट, अभी हिली नहीं है, पिन लूज नहीं हुई है। अभी भी पिन लूज नहीं हुई है, छोटा पेचकस लेंगे हम। थोड़ा छोटा पेचकस लेके चोट मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी थोड़ी हमारी पिन हिलने लगी है। अब हम इस पिन को निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ हमने वायर्स बनाई हुई है पिन निकालने के लिए। पिन निकालने के लिए हमने कुछ वायर्स बनाई हुई हैं, हम इन वायर का यूज करेंगे। ये हमने पिन के अंदर डाल ली है और यहाँ पे हल्की हल्की हम चोट मारेंगे और पिन को बाहर खींच के रखेंगे। इस वायर से नहीं हो रहा है, वायर को कर दें, दूसरी वायर ये रही, इस वायर को डाल के देखते हैं। ये वायर थोड़ी मोटी है, अंदर नहीं जा रही है, इसी वायर की मदद से करना पड़ेगा हमें।
अब हम इसमें हल्की हल्की चोट मारेंगे। रवि भाई चोट मारना। रुकिए रुकिए देखता हूँ मैं, हल्की सी पिन बाहर आई है अभी। चलिए थोड़ी सी पिन बाहर आई है, कंटिन्यू रखेंगे हम इसी तरीके से इसको। कई बार जल्दी भी निकल जाती है दोस्तों, कई बार समय भी लेती है। रुकिए दूसरी तरफ, रुकिए अब इस तरफ। पिन काफ़ी हार्ड फंसी हुई है ये, एक बार हम होल शॉट मार लेते हैं। ये मैं आपको स्लो में, बिना स्किप की वीडियो है, मतलब कोई एडिटिंग नहीं है, बिना एडिटिंग की हुई वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एडिटिंग करके इसको वीडियो को शॉर्ट भी कर सकता था मैं, लेकिन एडिटिंग नहीं करेंगे हम इसमें। चलिए पिन आप देख सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे बाहर आ रही है। लास्ट तक खींचता हूँ, रुको हो सकता है खिंचाव ना पड़ रहा हो। ये आप देख सकते हो पिन बाहर आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइट फंसी हुई है दोस्तों ये पिन। बहुत कम ही चांस होते हैं कि इतनी टाइट पिन मिले फंसी हुई, कभी कभी मिल जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी हद तक पिन हमारी बाहर आ चुकी है। चलिए चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हद तक पिन बाहर निकल चुकी है। मेरे ख्याल से अब हमें पिन निकालने की और ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ये निकल जाना चाहिए ब्लॉक बाहर। जी हाँ, ब्लॉक बाहर निकल गया है, पूरी पिन हमने नहीं निकाली है, लेकिन आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बैरियल को बाहर निकालने से पहले अगर आपकी चाबी घूम जाती है तो वेल एंड गुड है, ये चाबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम दूसरी चाबी लेंगे दोस्तों इसी गाड़ी की, हम इस चाबी के हिसाब से इस लॉक को रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस चाबी के हिसाब से तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है चाबी की। ये हमने बैरियल बाहर निकाल लिया है, ये इसका स्प्रिंग है और ये इसका लॉक है। ये हमने लॉक को साइड से उठाते हुए बाहर निकाला। अब हमें इस बैरियल को बाहर निकालना है, पुरानी चाबी की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे, नई चाबी तो शायद इसमें नहीं चलेगी। ये हमने दोस्तों बैरियल को बाहर निकाल लिया है। साफ कर लेते हैं कपड़े से ताकि हमें क्लियरली दिख जाए कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। दोस्तों ये छोटे छोटे लीवर्स होते हैं, यही आप देख रहे हो ये कैसे उठ गया है ऊपर, इनमें गैप्स आ रहे हैं, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से लॉक काम नहीं करता। हम प्रत्येक लीवर को निकाल के चेक करेंगे। ये चल जाएगा लीवर कुछ समय, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है। हाँ ये ठीक नहीं है, ये मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों बारीकी से थोड़ा साफ करके। ये लीवर होता है, यही है लीवर जो होंडा के लॉक में होता है। आप ध्यान से देख सकते हो इस लॉक के ऊपर, लीवर के ऊपर सॉरी, ऐसे रख लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी चोंच होती है, नोक होती है। मैं आपको नया लीवर दिखाऊंगा, एक नया लीवर दिखाइए। यहाँ पर एक छोटी सी चोंच होती है बनी हुई, इसकी जो नोक नोकीली चीज़ होती है वो इसमें ख़त्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ये मैं नया लीवर लेता हूँ अपना और इसमें आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, आप मिला सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये नोक बरकरार है और इसकी नोक ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों ये लीवर डैमेज है। अब रिपेयरिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप इन लीवरों को निकाल दो जो जो ख़राब हो चुके हैं, जिन जिनकी नोक ख़त्म हो चुकी है, या फिर उस लीवर की जगह उसी नंबर का नया लीवर इंस्टॉल कर दो, नया लीवर डाल दो। ये दो तरीके की रिपेयरिंग होती है। अभी हम लीवर नहीं डाल रहे हैं इसमें, सिर्फ हम रिपेयरिंग का दिखाना चाहते हैं वीडियो में, तो सिर्फ रिपेयरिंग दिखा रहे हैं। लीवर कस्टमर डिमांड के अनुसार डलते हैं, एक ख़राब होगा एक डलेगा, चार ख़राब होंगे चार डलेंगे। ये तो रहा लीवर का मुद्दा, मैंने आपको लीवर दिखा दिए हैं। अब इधर का रह गया था लीवर, ये भी चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी ख़राब है, इसका भी, इसकी भी नोक नहीं है। इस साइड से तो हमें दो लीवर ख़राब निकले हैं। इस साइड में हम देखते हैं तो ये भी ख़राब है। ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा डैमेज है, जो भी हमने दिखाया था उससे भी ज़्यादा डैमेज है। ये थोड़ा बहुत चल जाएगा अभी। ये तो और ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल फंस चुका है अंदर। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म है ये भी। अब हम जो ये न्यू की है इसको इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल परफेक्टली लॉक हमारा बैठ चुका है। इसमें से हमारे पांच लीवर डैमेज निकले हैं। हम वीडियो सिर्फ बना रहे हैं इस चीज़ पे कि लॉक रिपेयर, हाउ टू लॉक रिपेयर होंडा कार, कि लॉक रिपेयर कैसे किया जाए। इसके अंदर के स्प्रिंग्स हम हटा देंगे ताकि भविष्य में ये अड़चन ना बने इसमें। अगर किसी भाई की गाड़ी का लॉक ख़राब है, वो रिपेयर करवाना चाहता है, तो हमारे पास विज़िट कर सकता है। वेबसाइट है www.carkidilli.com। दुकान हमारे पीतमपुरा में है दिल्ली। ये आप देख सकते हैं लॉक हमारा फर्स्ट क्लास यहाँ पे घूम रहा है, वर्क कर रहा है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इस पत्ती को, इसके लॉक को, जैसा कि हमने खोली थी। जो सभी भाई के अलग अलग तरीके हैं लगाने के, मेरा तो तरीका यही है। ये हमने लगा दी है। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा इसमें, जिसमें बहुत भाई परेशान हो जाते हैं, चाबी वाले भाई मेरे, लॉक का काम करने वाले भाई, मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन जो भी हैं भाई, लोग ठीक कर लेते हैं, जिन जिनको नॉलेज है, वो यहाँ पर आके इस पड़ाव पे आके परेशान हो जाते हैं। वो पड़ाव क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी लॉक फिट नहीं हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, बैठ नहीं रहा है, या फिर इसको हम गरारी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गरारी भी घूम नहीं रही है। इसको लॉक को दबाने के बाद भी ये गरारी नहीं घूम रही है। ये लॉक दबा दिया उसके बावजूद भी नहीं घूमेगी। उसका रीज़न ये है,
कंपनी ने इसके अंदर एक वो बनाया हुआ है, एक अंदर गुटखा टाइप है, उस गुटखे को अभी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से हमें ये दोनों स्क्रू खोल लेने हैं। ये होंडा सिटी आईडी टेक अमेज ब्रियो बीआरवी डब्ल्यूआरवी सीआरवी जो न्यू गाड़ियाँ आई हैं होंडा की है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये उनके लोग हैं। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, अगर हम एक ही चाबी का यूज़ करते हैं, दूसरी चाबी को कभी यूज़ ही नहीं करते, ये सबसे बड़े पॉइंट की बात मैं बोलने जा रहा हूँ। कंपनी दो चाबियाँ देती है, तीन चाबियाँ देती हैं, हम क्या करते हैं एक ही चाबी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही चाबी उठाई और उसी को चलाए जा रहे हैं। तो उसी कंडीशन में जैसे जैसे ये चाबी आपकी घिसती चली जाती है, ये चाबी आप इसकी शक्ल देख सकते हो, जैसे ये चाबी घिस चुकी है, जैसे जैसे चाबी घिसती जाएगी वैसे वैसे लॉक के जो ये लीवर्स हैं ये भी घिसते चले जाएंगे। हमें करना क्या होता है, ये न्यू की है, हमें करना क्या होता है, हमें दोनों चाबियों को पर्टिकुलर यूज़ करना चाहिए। दो महीने ये यूज़ करी, दो महीने ये यूज़ करी, या तीन महीने ये यूज़ करी, तीन महीने ये दूसरी यूज़ करी। अगर तीन चाबी हैं तो तीन तीन महीने दो दो महीने का गैप देके हमें यूज़ करनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया है, निकाला है। ये निकालने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक ये छोटा सा गुटका टाइप है, ये नीचे ऊपर हो रहा है, इसको हमें नीचे प्रेस कर लेना है। ये हमने नीचे प्रेस कर दिया है, अब हमें इस गरारी को घुमाना है, अब हमें इस गरारी को घुमाना है, ये वाली जो गरारी है, और ये आप देख सकते हो गरारी घूम गई है, मैंने घुमा दी है, गरारी घूम गई है और ये गुटका भी नीचे रुक गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कंडीशन पे अपने लॉक को लगाना है, थोड़ा सा लॉक हमें घुमाना पड़ेगा चाबी से, एसीसी पे करना पड़ेगा, उसके फेस के अनुसार जो अंदर कट बना हुआ है गरारी का, गरारी का कट है उसके अनुसार हमें इस बैरियल को भी बिठाना है। ये आप देख सकते हो इजीली बैरियल अंदर चला गया है और ये चाबी भी घूम रही है। अब हमें इसको दबा के रखना है और अपनी जो पिन निकाली थी इस पिन को अंदर कर देना है वापस, ये हमने पिन अंदर कर दी है। अब आप देख सकते हैं हमारा लॉक रिपेयर हो चुका है। ये हम वापस इसको लगा लेंगे, ये हमने लगा दिया है दोस्तों, ये हम लॉक चेक कर रहे हैं। अब हम इसका बजर स्विच लगा देंगे, हमने बजर स्विच लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसका इमोबिलाइजर लगा देंगे, ये हमने इमोबिलाइजर भी फिट कर दिया है, इमोबिलाइजर का स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। ये हमने स्क्रू भी टाइट कर दिया है और ये हमारा लॉक रिपेयर सक्सेसफुली बिल्कुल बेहतरीन और बढ़िया तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।